अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो के अंदर जो पहली वीडियो है, पार्शियल फ्रैक्शन को हमने समझना है। और ये एक ऐसी फ्रैक्शन है जो कि तमाम लेवल के अंदर सीखी जाती है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन है, ये बेसिकली मैट्रिक के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए और बाकी जो तो यूनिवर्सिटीज लेवल है वहाँ तक के काम के लिए आती हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन होती है हमारे पास दो टाइप्स की। पहली जो फ्रैक्शन आती है मेरे पास आती है प्रॉपर और एक होती है इम्प्रॉपर। तो एक होती है प्रॉपर प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरी होती है इम्प्रॉपर। तो ठीक है, तब प्रॉपर होती है और इम्प्रॉपर होती है। अब प्रॉपर और इम्प्रॉपर में क्या फर्क है? अगर कोई वैल्यू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर भी बता देता हूँ क्या होता है। ये डिवाइड का नाम लाइन होती है। ठीक है, अगर ऊपर लिखा हुआ है कुछ चीज़ तो वो नोमिनेटर के अंदर आती है, नोमिनेटर। ठीक है, और अगर डिवाइड के नीचे लिखी हुई होती तो वो कहाँ जाती है? डिनोमिनेटर के अंदर कहलाती है। ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है। जो भी चीज़ डिवाइड से ऊपर लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? नोमिनेटर। जो चीज़ ऊपर लिखी जाती नीचे लिखी जाती है वो क्या कहलाती है? डिनोमिनेटर। अगर अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर नोमिनेटर की वैल्यू बड़ी है डिनोमिनेटर से, फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 10/3, जो नोमिनेटर है वो वैल्यू बड़ी है, जी बड़ी है डिनोमिनेटर से। ठीक है, ऊपर 10 है, डिवाइड में 3 है, तो जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू वो छोटी है नोमिनेटर से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में जाता है। ठीक है, अब मैं इम्प्रॉपर की बात करूँ तो बिल्कुल इसी तरह इम्प्रॉपर के अंदर भी यही है कि अगर नॉमिनेटर की वैल्यू छोटी है डिनोमिनेटर से तो वो कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह समझना है, अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं ताकि और वादे होके क्लियर हो जाए। तो अब देखें यहाँ पर क्या करना है। फोर सपोज आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिखी हुई है। ठीक है, और डिवाइड के अंदर है आपके पास एक्स प्लस 2। कुछ इस तरह का अगर आपके पास इक्वेशन बनती है तो आपने सबसे पहले क्या देखनी है, जो हाइएस्ट डिग्री है उस इक्वेशन की आपने उसको फाइंड आउट करना। आपने देखा कि हाइएस्ट डिग्री इसकी यहाँ पे और इसकी हाइएस्ट डिग्री कितनी है? 2। ठीक है, तो 2 ऊपर रख दिया मैंने और इसके नीचे वाली की हाइएस्ट डिग्री कितनी है? हाइएस्ट डिग्री का मतलब वो होता है जो सबसे बड़ी आपके पास पॉइंट्स होंगे ना उसके ऊपर, यहाँ पर 1 है। तो देखें इसके मुताबिक कौन सा फ्रैक्शन बन रहा है। ऊपर बड़ी है, डिवाइड में छोटी है। ऊपर बड़ी है, ठीक है, डिवाइड में क्या है? छोटी वैल्यू है। तो आप वहां पर कौन सा फ्रैक्शन लगाएंगे? वहां पे आप लगाएंगे प्रॉपर फ्रैक्शन लगाएंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब फोर सपोज एक मिसाल और ले लूँ, तो ये मैं कहाँ लिखूंगा? प्रॉपर के अंदर काम करूंगा। अगर फोर सपोज यही वाला काम मैं कर लूँ, एक्स प्लस 2 आ जाए ऊपर और एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 5 अगर आ जाए इस तरह, अब आपको किस तरह पहचानना है? फोर सपोज मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देता हूँ। हाईएस्ट डिग्री क्या है? सबसे बड़ी वैल्यू देखें कि ऊपर कौन सी है, 2 है हाईएस्ट डिग्री। एक्स की पावर क्या है? 2, तो आपने 2 रखा ऊपर। फिर डिनोमिनेटर में देखें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 3 है, तो आपने 3 रखा नीचे। तो देखें कौन सी फ्रैक्शन बन रही है, तो ये देख रहे हैं आप कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन रही है, तो आपने इसको इम्प्रॉपर रख दिया। ठीक है, तो ये था सिर्फ आज का लेक्चर और अब हमने सवाल स्टार्ट करने हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, ताकि हर एक पॉइंट क्लियर रहे। तो पहला सवाल हम लिखते हैं, फोर सपोज एक सवाल ले लेते हैं, 3x+4/(x+2x-2)। अब इसका सलूशन हमने करना है। अब इसका सलूशन जब करेंगे तो देखें क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या पॉइंट रेफर करने हैं, कौन सा पॉइंट बड़ा है कौन सा पॉइंट छोटा है, मीन्स की डिग्री आप देखें। सबसे बड़ी डिग्री देखें ऊपर नॉमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 1 है, तो आपने ऊपर क्या रखा? 1 रखा। और तो डिवाइड में देखें आपके पास कौन सी बड़ी पावर है? 2, 1, और ये मल्टीप्लाई हो गया, असल में बीच में साइन है तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x x है x² तो डिवाइड में क्या आ गई, समझे x² की वैल्यू आ गई। तो ये कौन सा प्रॉपर बनता है, कौन सा फ्रैक्शन बनता है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनता है कि ऊपर वैल्यू छोटी आ जाए, डिवाइड में वैल्यू क्या हो जाए? बड़ी आ जाए। तो सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको आंसर को कॉपी करना है, 3x+4/(x+2) और ये x-2। याद रहे ये क्या, हम सवाल अभी कौन सा कर रहे हैं? अभी हम सवाल कर रहे हैं इम्प्रॉपर का, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का काम कर रहे हैं। तो इम्प्रॉपर को सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, प्रॉपर को सॉल्व
सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, जब आपने यहाँ देख लिया पावर, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ऊपर ऊपर पावर क्या है, लीनियर है। ऊपर पावर क्या होगी, जो अभी हम काम कर रहे हैं ये केस वन है, असल में अभी हम केस वन को स्टडी कर रहे हैं। इसके चार केस हैं, ऐसा ऐसा करके हम सारे केस को स्टडी करेंगे ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। अभी हम देखें केस वन के अंदर पावर क्या होनी चाहिए, नॉमिनेटर के अंदर लीनियर होनी चाहिए। लीनियर का मतलब क्या होता है कि जो पावर एक्स के ऊपर पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। और आप सबको पता है कि एक्स के ऊपर पावर वन को हम शो नहीं करते, इसलिए एक्स लिखते हैं यहाँ पर। तो ये पावर क्या बता रहा है, ये पावर लीनियर है, लीनियर मीन्स वन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे हम, जो भी फैक्टर है, ये कितने फैक्टर बने हुए, एक दो, मीन्स कि अब आपको दो फैक्टर को ब्रेक करना है। आप लिखेंगे पहले ए, ए के नीचे पहला वाला फैक्टर एक्स प्लस टू, फिर प्लस लगाएंगे, फिर बी लिखेंगे, ए के बाद बी आता है तो बी लिख दिया मैंने, और दूसरा फैक्टर एक्स माइनस टू। ठीक है, अब बराबर में आपने क्या करना है, जो सवाल है वो आपने वही लिख देना है, थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ये काम कर लिया। अब आपने देखें क्या करना है, अब आपने यहाँ पे करवाना ही है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई क्या करवाना है, मल्टीप्लाई बाय जो सवाल के अंदर गिविन होगा फैक्टर्स, जो सवाल के अंदर गिविन होंगे आपने वही वापस उतार देने हैं, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइड के ऊपर ये चीजें मल्टीप्लाई करवानी है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो देखें लिखेंगे क्या, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो क्या कर दूंगा, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, जो मल्टीप्लीकेशन वाली टर्म है वो मैं रेड से लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि मैंने ये मल्टीप्लाई करवाया है एक्स प्लस टू, और जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो मैंने कॉपी किया है ऊपर से देख के, क्योंकि इसको साथ में मल्टीप्लाई करवाया। फिर प्लस है, प्लस अभी लगा देता हूँ मैं, एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू, यहाँ बीच में प्लस लगा देता हूँ, और एक्स माइनस टू और बी लिखा हुआ साथ में, तो इस तरह लिखा। अब देखें अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल जो बराबर वाली वैल्यूज हैं आपने उसको वहां लिखना है। तो इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। अब जो मल्टीप्लीकेशन भी करवानी थी वो भी लिखनी है साथ के साथ वैल्यूज, उसको मैं वैल्यूज लिख रहा हूँ एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू। ठीक है, तो ये एक्स माइनस टू है। अब देखें क्या चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल, एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू कैंसिल। तो क्या बचेगा, अब इसको मैं ब्लू मार्कर से लिख रहा हूँ, एक्स माइनस टू ए प्लस, यहाँ पे क्या बचा एक्स प्लस टू बी, यहाँ माइनस बचा है, यहाँ प्लस बचा है, और इज इक्वल टू नॉम। याद रखना है जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज ही बचेंगी, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखें देख भी सकते हैं कि यहाँ पे क्या बच रहा है, थ्री एक्स प्लस फोर, थ्री एक्स प्लस फोर। अब आप इसको इक्वेशन का नाम दे दें, इक्वेशन ए नाम दे दिए इक्वेशन ए का। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है, अब पुट किस तरह करेंगे, कहाँ पे किसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब आपने यहाँ देखना है, जो ये वाली वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज इसको देखना है, जिसके ऊपर पावर लीनियर है, जिसके ऊपर पावर क्या है वन, एक एक करके हम पावर को लेंगे एक्स प्लस टू। यहाँ से देखना है, स्टेप से देख रहे हैं किस स्टेप से लिखना है, जहाँ पे फैक्टर हमने लिखे ही नीचे, यहाँ से लेना, और इसको किसके बराबर ले लो, जीरो के बराबर ले लो। अब यहाँ प्लस टू है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस टू, जब भी इज इक्वल टू दूसरी तरफ जाता है तो वैल्यू सेम रहती है, लेकिन अगर साइन चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन ए के अंदर, इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट अप कर देंगे। अब जब पुट अप करेंगे इसको तो देखें क्या होगा, अब जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या कर दें माइनस टू। अब क्या कर देंगे इसको देखें, माइनस टू ए प्लस, अब यहां पर क्या है माइनस टू प्लस टू बी इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस टू एंड प्लस फोर। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस टू माइनस टू माइनस माइनस प्लस, तो ये फोर हो जाएगा, टू प्लस टू फोर, लेकिन साइन माइनस का ए। फिर ये माइनस टू प्लस टू क्या होगा, जीरो हो गए, जब ये जीरो हो जाएगा पूरी पूरी टर्म जीरो हो गई, जीरो मल्टीप्लाई बाय बी, किसी भी चीज़ को जीरो से मल्टीप्लाई करवा तो आंसर क्या आता है, जीरो। तो जीरो इज इक्वल टू थ्री टू द सिक्स, माइनस का सिक्स प्लस का फोर, इस तरह आ गया हमारे पास। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, तो माइनस फोर है,
माइनस, यहाँ पे क्या था, -6 और +4, सॉरी +4 नहीं है यहाँ पे, ये +2 है, नहीं ठीक है चले, यहाँ 4 है तो हमने यहाँ पे 4 ही रखना है। तो -6 + 4 क्या बचेगा, -2 यही आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। ठीक है, कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं जिसे समझ आए। एंड अब अगले स्टेप के अंदर हमें क्या करना है, अब जो दूसरी वाली वैल्यू थी हमारे पास x-2, x+2 तो ले लिया मैंने, अब क्या लेना है, x-2। अब इस वैल्यू को हमने काम करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, x-2 = 0। तो x-2 = 0 किसके बराबर ले लो, 0 के। अभी आप लोगों को बताया था कि जब भी इक्वल टू दूसरी तरफ जाता है वैल्यू सेम देती है, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस है वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जहां जहां एक्स होगा वहां वहां पे टू पुट करना है, पुट इन इक्वेशन ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपके पास आएगी। अब आपने सिंपल देखें करना क्या है, अब आपको यहाँ पे करना ये है, इक्वेशन के अंदर रखनी है वैल्यू, इक्वेशन याद है तो 2-2a, ठीक है, और +2 + 2 d, ये पीछे से इक्वेशन देख लेना आप लोग, और यहाँ पर 3 × 2 + 4, ये इक्वेशन बनेगी। +2 - 2 क्या होगा, 0 हो गए, ये तो 0 हो गया, तो 0 + 4b = 3 to the 6, एंड 6 + 4 10, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/2। तो ये आपके पास आ गई b की वैल्यू, a की वैल्यू भी आपने निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली है। अब आपको इसको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर इनकी वैल्यूज का पुट अप करना है। ठीक है, इनकी वैल्यूज को कहाँ पुट अप करना है, इस वाली वैल्यू के अंदर, जहां 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 पे ए लिखा है वहां पे ए की वैल्यू पुट करेंगे, जहां बी लिखा है वहां पे बी की वैल्यू। तो इसको पुट करते हैं, ए की वैल्यू क्या है, 1/2, तो 1/2 ऐसे लिखा आपने, और डिवाइड के अंदर फैक्टर था x+2, ये की वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर +5/2 और फैक्टर था x-2, बस ये आपका आंसर है। ये आपके पास जो ऊपर है 1/2 जो लिखा हुआ है, ये a की वैल्यू आ गई है, इसको समझे यहाँ डिवाइड के फॉर्म में लिखा है 1/2, और इसको भी यहाँ पे समझे यूँ लिखा हुआ है 5/2, ये b की वैल्यू आ गई और ये फैक्टर आ गया, तो बस आपका ये आंसर था। हमने क्या किया, सिंपल a की जो वैल्यू है उसको पीछे वाली इक्वेशन के अंदर ला के पुट अप कर दिया, इससे क्या होगा, हमें यहाँ पे फैक्टर्स मिल गए, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3x+4। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद इसका एक चेक भी बता देता हूँ, अगर जब आपको आंसर पे चेक करना हो क्या करें आप, कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं, तो आप सिंपल ये करें, इनको मल्टीप्लाई करवा दें। देखिए यहाँ पे एलसीएम सेम है 2 का, तो अब आप यहाँ पे क्या करें, एलसीएम सेम करवा दें, ये मैं चेक पॉइंट बता रहा हूँ, जब आपको अपने एग्जाम के अंदर अपना आंसर चेक करने हो कि मैंने आंसर ठीक किया है या गलत, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करवा दो इस वाली वैल्यू को, एंड इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, एंड इस वाली वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई, अब याद रहेगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या करना है, जो ग्रीन मार्कर से मैंने किया मल्टीप्लाई, इसको वहां भेज देते हैं, यहाँ पे 2x-2, यहाँ पे 1 है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x-2। अब देखें यहाँ पे ये वैल्यू है 2b और x+2, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मैं 5 का एलईडी रख देता हूँ, और 2b ऐसे रखा मैंने, x+2 अपॉन 2 to the 4, x+2 x-2 यही रहेगा। अब इसको लेके चेक करने का तरीका और क्या है, अब इनको सॉल्व करेंगे, 2x-4 + 5 to the 10, और इनको मल्टीप्लाई करवाए 10x + 20 अपॉन में 2 सॉरी यहाँ पे 4 है, x+2 x-2। अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं, देखें 10 + 2 = 12 हो गया, 12x, एंड यहाँ पर -4 + 20 16 आएगा, एंड यहाँ पर 4 × x+2 और x-2, अगर यहाँ पे 4 कॉमन निकाल लें, 4 कॉमन निकाल देखिए, देखें 4 के टेबल पे 12 भी आता है और 16 भी आता है, तो 4 निकाला मेरे कॉमन, तो 3x + 4 आया, 4 × x+2 और ये x-2, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सवाल ही बन के आ गया, तो ये क्वेश्चन ही पूरा का पूरा वापस आ गया। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपने फैक्टर लिए हैं बिल्कुल ठीक लिए हैं, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है।
आई होप समझ आ गया होगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके नेक्स्ट सवाल करेंगे ताकि हर एक चीज पॉइंट क्लियर हो जाए। जहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वहाँ फॉर्मूला भी यूज करेंगे और फिर केस टू की तरफ मूव कर देंगे। थैंक यू।